तो गाइज मैंने यहाँ पर काफी सारे डायनासोर्स को इकट्ठा कर दिया है और अब करते हैं ट्रेन को फॉरवर्ड और देखते हैं कि क्या ये सारे डायनासोर्स अपनी ट्रेन को रोक पाएंगे या फिर नहीं। ओके, ट्रेन पास आ चुकी है और तो हेलो मैक्स आर्मी, आज के इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के इस एपिसोड के अंदर हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़ा और मजेदार सा चैलेंज, और वो चैलेंज ये है कि हमें इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर जो ट्रेन है उसको किसी भी हालत में रोकना है। और गाइस अगर आपको पता होगा तो हमने इस चैलेंज को पहले भी ट्राई किया था, लेकिन उसके अंदर हमने ट्रेन का जो ट्रैक होता है उसके ऊपर काफी सारे स्टिकी बॉम्ब्स को लगाया था, लेकिन वो आइडिया बिल्कुल भी काम नहीं आया था। तो आज हम इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D की जो ट्रेन है उसके सामने वो सारे व्हीकल्स रखने वाले हैं जो कि कैपेबल होते हैं एक ट्रेन को रोकने के लिए। हम कैटेगरी वाइज सारे ही व्हीकल्स को ट्रेन के ट्रैक पर रखेंगे और ट्रेन का वेट करेंगे, और जैसे ही ट्रेन उस व्हीकल से टकराएगी तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सा ऐसा व्हीकल है जो इस ट्रेन को रोक सकता है। तो गाइस वीडियो में आने वाला है बहुत सारा मजा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख दो ताकि आप ऐसी ही और मजेदार से वीडियोस को मिस ना कर सको। ऑलराइट गाइस, तो हम ट्रेन के ट्रैक के ऊपर आ चुके हैं और अपने लिस्ट का पहला व्हीकल है जेसीबी। ओके, तो देख लेते हैं कि क्या जेसीबी इस ट्रेन को रोक पाएगी या फिर नहीं। तो मैं फटाफट से इस ट्रैक के ऊपर जितनी हो सके उतनी जेसीबी को स्पॉन कर देता हूं, और भाई ट्रेन का कुछ भी पता नहीं है, वो कभी भी आ सकती है, तो मुझे जल्दी से इस ट्रैक को जेसीबी से भरना पड़ेगा। तो गाइस मैंने इस ट्रैक पर काफी सारी जेसीबी को स्पॉन कर दिया है और अब बस हमें वेट करना है ट्रेन के आने का। ओके, ट्रेन आ चुकी है गाइस, और अब हमें पता चल जाएगा कि क्या ये इतनी सारी जेसीबी मिलकर भी इस ट्रेन को रोक पाएगी या फिर नहीं। और अरे नहीं यार, इतनी सारी जेसीबी होने के बाद भी इस ट्रेन को नहीं रोक पाई, ट्रेन इन सारी जेसीबी को चीरती हुई चली गई। ओके, तो ये है जेसीबी के लिए सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन गाइस इसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि इस बार जेसीबी अकेली नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार जेसीबी के ऊपर हमें एक फायर ट्रक को भी स्पॉन करना है ताकि जेसीबी को डबल पावर मिल सके। तो मैं फटाफट से यहाँ पर जेसीबी और जेसीबी के ऊपर फायर ट्रक्स को स्पॉन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर काफी सारी जेसीबी और इन सारी ही जेसीबी के ऊपर मैंने फायर ट्रक्स को भी स्पॉन कर दिया है, और अपनी ट्रेन भी यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकती है, तो ट्रेन का थोड़ा सा इंतजार कर देता है। गाइस मुझे ट्रेन वहां से आती हुई दिख रही है, और अब देखना यह है कि क्या ये जेसीबी और फायर ट्रक्स का डबल पावर मिलकर भी इस ट्रेन को रोक पाएगा या फिर नहीं। भाई साहब ये क्या है यार, हमने लिटरली इतनी सारी जेसीबी और इन सारी जेसीबी के ऊपर फायर ट्रक्स को भी स्पॉन कर दिया था ताकि ये दोनों मिलकर इस ट्रेन को रोक सके, लेकिन भाई इस ट्रेन को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी बढ़ते हैं अपने अगले व्हीकल की तरफ। ओके, तो अपना अगला व्हीकल है थार। तो गाइस आज देख लेते हैं कि क्या अपनी थार इस ट्रेन को रोक पाएगी या फिर अपनी थार भी जेसीबी और फायर ट्रक की तरह आसमान के अंदर उड़ जाएगी। तो फटाफट से यहाँ पर मैं थार को स्पॉन कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर काफी सारी थार को स्पॉन कर दिया है, और भाई इतनी सारी थार एक साथ बहुत ही बढ़िया दिख रही है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये सारी थार मिलकर एक फुल स्पीड में आ रही ट्रेन को रोक पाएगी या फिर नहीं। तो गाइस मुझे यहाँ से ट्रेन आती हुई दिख रही है, और भाई ये ट्रेन बहुत ही ज्यादा स्पीड के अंदर आ रही है, और अब देखना यह है कि क्या ये सारी थार इस ट्रेन को रोक पाएगी या फिर नहीं। भाई साहब ये क्या हो रहा है यार, गाइस आप देख रहे हो किस तरह से ट्रेन के नीचे की तरफ पूरा धुआं सा हो चुका है, और अपनी सारी ही थार डैमेज हो चुकी है, और ये सारी थार मिलकर भी इस ट्रेन को नहीं रोक पाई। तो अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के अगले व्हीकल की तरफ। ओके, तो अपना अगला व्हीकल है न्यू हमर ट्रक, और गाइस ये हमर ट्रक जो है ये भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रक है, लेकिन अब देखना ये रहेगा कि क्या ये पावरफुल ट्रक इस ट्रेन को रोक पाएगा या फिर नहीं। तो फटाफट से इस ट्रैक के ऊपर हमर ट्रक्स को बिछा देते हैं। ओके, तो सारे हमर ट्रक्स रेडी हो चुके हैं ट्रेन से टकराने के लिए, और अब बस ट्रेन का इंतजार करना है और देखना है कि क्या ये सारे ट्रक्स जो है उस ट्रेन को रोक पाते हैं या फिर नहीं। गाइस ट्रेन आ चुकी है और अपने सारे ही हमर ट्रक्स भी रेडी है, तो अब बस वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। भाई साहब सारे ही हमर ट्रक जो है वो आसमान के अंदर उड़ चुके हैं, और भाई ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान से कार की बारिश हो रही हो। तो गाइस अपना हमर ट्रक भी इस ट्रेन को नहीं रोक पाया, और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही हमें और पावरफुल व्हीकल्स मिलते जा रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि अपना नेक्स्ट व्हीकल कौन सा है। तो गाइस अपना अगला व्हीकल है ट्रक विद ट्रेलर। ओके, मुझे ट्रक विद ट्रेलर से थोड़ी उम्मीद नजर आ रही है, एंड आई होप कि भाई ये ट्रक विद ट्रेलर जो है ये इस ट्रेन को रोक दे बस। तो चलो गाइस फटाफट से इस ट्रैक को ट्रक से भर देते हैं। ऑलराइट गाइस, हमने यहाँ पर काफी सारे ट्रक विद ट्रेलर्स को स्पॉन कर दिया है, और अब बस देखना यह है कि क्या ये सारे ट्रक्स जो है ये उस ट्रेन को रोक पाएंगे या फिर नहीं। तो गाइस ट्रेन आ चुकी है, और फिर से एक बहुत ही मुश्किल पल आ चुका है जिसको देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब जो भी होगा देखा जाएगा। और नहीं गाइस, थोड़े टाइम के लिए तो ये सारे ट्रक जो थे वो एक दूसरे से एकदम चिपक गए थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन और आगे बढ़ी तो ये सारे ट्रक्स भी पिछले व्हीकल्स की तरह आसमान के अंदर उड़ चुके हैं, और इन्होंने भी ये चैलेंज फेल कर दिया है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले व्हीकल की तरफ। तो अपना अगला व्हीकल है थार का मॉन्स्टर वर्जन।
भाई ये भी सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम किसी भी व्हीकल को ट्रैक के ऊपर स्पॉन करता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन ट्रेन को रोक पाता है और कौन नहीं। तो फटाफट से इस ट्रैक को मॉन्स्टर ट्रक से पूरा भर देता है। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर ट्रक्स को स्पॉन कर दिया है और अब बस देखना यह है कि क्या ये सारे मॉन्स्टर ट्रक्स मिलकर अपनी मॉन्स्टर पावर को दिखा पाएंगे या फिर ये सारे मॉन्स्टर ट्रक्स भी पिछले व्हीकल्स की तरह ही दूर उड़कर चले जाएंगे। तो ये अब ट्रेन के आने पर ही पता चलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर देता है। ओके ट्रेन आ चुकी है और अब वक्त आ चुका है इन सारे मॉन्स्टर ट्रक्स की पावर को देखने का। तो चलो गाइस अब देख लेते हैं कि क्या ये सारे मॉन्स्टर ट्रक्स इस ट्रेन को रोक पाएंगे या फिर ये सारे मॉन्स्टर ट्रक्स भी इस चैलेंज को फेल कर देंगे। और गाइस वही हुआ जिसका हम सभी को इंतजार तो बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि ट्रेन ने इन सारे मॉन्स्टर ट्रक्स को भी उछाल कर दूर फेंक दिया है और अपने मॉन्स्टर ट्रक्स ने भी इस चैलेंज को फेल कर दिया है। तो अब देखते हैं कि अपना अगला व्हीकल कौन सा है जो कि इस चैलेंज को करने के लिए रेडी है। ओके तो अगला व्हीकल है फ्लाइंग प्लेन। भाई साहब ये चैलेंज तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है गाइस, क्योंकि इस चैलेंज को करने के लिए एक प्लेन भी रेडी हो चुका है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर एक प्लेन को स्पॉन करके उसे फुल स्पीड के अंदर आ रही ट्रेन के सामने की तरफ टकराने वाला हूँ। तो चलो गाइस देख लेते हैं कि क्या ये प्लेन एक फुल स्पीड के अंदर आ रही ट्रेन को रोक पाएगा या फिर नहीं। मुझे पहले इस प्लेन को इस ट्रैक के ऊपर सही से एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना ये चैलेंज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ओके अभी सही है, तो चलते हैं ट्रेन के सामने की तरफ। भाई ट्रेन आ चुकी है, तो अब देख लेते हैं कि क्या अपना प्लेन इस ट्रेन को रोक पाता है या फिर नहीं। अरे यार ये ट्रेन तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऑलराइट गाइस ये है अपना दूसरा अटेम्प्ट और इस बार मैं ट्रेन से काफी दूर आ चुका हूँ ताकि हमें थोड़ा और टाइम मिल सके अपने प्लेन को सही से ट्रैक के ऊपर एडजस्ट करने के लिए। ठीक है गाइस मुझे लग रहा है इतना डिस्टेंस काफी रहेगा, तो चलो अभी करते हैं अपने प्लेन को स्पॉन और लेकर चलते हैं सीधा ही उस फुल स्पीड के अंदर आ रही ट्रेन के सामने और उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। गाइस हमारी स्पीड कुछ ज्यादा ही हो चुकी है और मुझे इस प्लेन को सही से एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, वरना हम ट्रेन की बजाय किसी और को ही टक्कर मार देंगे। तो गाइस ट्रेन भी फुल स्पीड के अंदर अपनी तरफ आ रही है और हमारा प्लेन भी फुल स्पीड के अंदर हमने सामने की तरफ कर दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अरे नहीं यार मैंने तो सोचा था गाइस कि इस ट्रेन की जो स्पीड है वो थोड़ी तो कम हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि इसका पूरा ही उल्टा हो चुका है, यानी ये अपने प्लेन की स्पीड पूरी तरह से कम हो चुकी है। तो गाइस हम आ चुके हैं एक बार फिर से इस प्लेन को लेकर और इस बार गाइस हमें ट्रेन को ढूंढना है और इस प्लेन को उस ट्रेन से टकराना है और देखना है कि क्या ये प्लेन उस ट्रेन की स्पीड को कम कर पाएगा या फिर नहीं। ओके वो जा रही है ट्रेन, तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ही इस प्लेन को उस ट्रेन से टकरा कर देखते हैं। भाई साहब ये ट्रेन रुकना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा इस ट्रेन की स्पीड जो है वो भी कम नहीं हो रही है गाइस। ओके इस बार गाइस हम प्लेन को नहीं उड़ाने वाले हैं, बल्कि इस बार हम इस ट्रैक के ऊपर काफी सारे प्लेन्स को स्पॉन करेंगे और फिर ट्रेन के आने का वेट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये सारे प्लेन्स जो है वो उस ट्रेन को रोक पाते हैं या फिर नहीं। तो मैं फटाफट से यहाँ पर प्लेन्स को स्पॉन कर देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर काफी सारे प्लेन्स को स्पॉन तो कर दिया है, लेकिन भाई ये प्लेन्स अपने आप ही ट्रैक से नीचे उतर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इनमें से सिर्फ एक या दो ही ऐसे प्लेन्स है जो कि ट्रैक से नीचे उतर चुके हैं, बाकी तो सारे ही प्लेन्स इस ट्रैक के ऊपर बड़े आराम से खड़े हैं। तो अब बस ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ओके ट्रेन आ चुकी है गाइस, और अब देखना यह है कि क्या ये सारे प्लेन्स मिलकर इस ट्रेन को रोक पाएंगे या फिर ये सारे प्लेन्स भी इस चैलेंज को फेल कर देंगे। और नहीं गाइस इन प्लेन्स ने भी इस चैलेंज को हार दिया है। तो आप बढ़ते हैं अपने अगले व्हीकल की तरफ। तो गाइस इस बार कोई भी व्हीकल नहीं है इस चैलेंज को करने के लिए, बल्कि इस बार इस चैलेंज को करने के लिए एक एनिमल आ रहा है जो कि है जुरासिक पार्क का टीरेक्स डायनासोर। तो मैंने यहाँ पर अपने पीछे काफी सारे डायनासोर को इकट्ठा कर दिया है और गाइस आप देख सकते हो कि मेरे पीछे कितने सारे डायनासोर आ चुके हैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। तो अब मुझे इन सारे डायनासोर को ट्रेन के ट्रैक के ऊपर लेकर जाना है और ट्रेन को फॉरवर्ड करना है ताकि जब ट्रेन इन सारे डायनासोर से टकराएगी तो हो सकता है कि इतने सारे डायनासोर होने की वजह से अपनी ट्रेन जो है वो ट्रैक से नीचे उतर जाएगी। लेकिन गाइस वेट, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डायनासोर ऊपर से कितने सारे दिख रहे हैं, क्योंकि जब हम इन डायनासोर के नीचे होते हैं तब हमें पता नहीं चलता है कि भाई ये डायनासोर आखिर है कितने। तो गाइस ये देखो कितने सारे डायनासोर अपने पीछे पड़े हुए हैं और अब अगर मैं इस जेट पैक से नीचे जंप करता हूँ तो अपना बंदा नीचे गिरने के बजाय कुछ इस तरह से इन सारे डायनासोर के ऊपर ही अटका हुआ रहेगा। ऑलराइट गाइस अब बारी आ चुकी है चैलेंज को कंप्लीट करने की, तो फटाफट से ट्रेन को फॉरवर्ड करते हैं और देख लेते हैं कि क्या ये सारे डायनासोर्स इस ट्रेन को रोक पाएंगे या फिर नहीं। ओके ट्रेन आ रही है गाइस और सारे ही डायनासोर्स भी अपने पास ही खड़े हुए हैं, देखना ये है कि क्या होता है।
भाई साहब ये क्या हुआ यार, ट्रेन इन सारे डायनासोर्स के अंदर से निकल चुकी है और अपने बंदे को भी नीचे गिरा दिया है। इसका मतलब ये है कि इतने सारे डायनासोर्स मिलकर भी इस ट्रेन को नहीं रोक सकते हैं। तो गाइस हम इन सारे डायनासोर्स को ऐसे नहीं जाने देंगे, तो चलो फटाफट से किसी बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं और इन सारे डायनासोर्स को एक साथ मार के देखते हैं। ओके, ये बिल्डिंग सही नहीं है क्योंकि इस बिल्डिंग की वजह से ये सारे डायनासोर्स अलग हो जा रहे हैं। तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा प्लेस है जहाँ से हम इन सारे डायनासोर्स को बड़े आराम से मार पाएंगे और वो प्लेस है ट्रेन की सीढ़ियों वाली रूफ। ओके, अभी इन सारे डायनासोर्स के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है। भाई साहब कितने सारे डायनासोर्स थे यार, मैंने तो सोचा था कि भाई 50 या 70 डायनासोर्स ही होंगे, लेकिन मैं गलत था। एक मिनट, ये एक और रह गया है। तो गाइस जुरासिक पार्क के ऑलमोस्ट सारे ही डायनासोर्स मिलकर भी इस ट्रेन को नहीं रोक पाए, तो अब देख लेते हैं कि इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए कौन आ रहा है। तो गाइस इस बार भी कोई व्हीकल नहीं है, बल्कि इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए अगले खिलाड़ी जो है वो है वेलोसिरैप्टर। तो फटाफट से इस ट्रैक को वेलोसिरैप्टर से भर देते हैं। तो गाइस मैंने इस ट्रैक के ऊपर काफी सारे वेलोसिरैप्टर्स को स्पॉन कर दिया और आप देख सकते हो कि ये कितने सारे हैं। लेकिन क्या ये सारे वेलोसिरैप्टर्स मिलकर उस ट्रेन को रोक पाएंगे या फिर नहीं, ये तो ट्रेन के आने पर ही पता चलेगा। तो अब ट्रेन के आने का थोड़ा सा इंतजार कर देता है। तो गाइस वो आ रही है अपनी ट्रेन फुल स्पीड के अंदर और अब देखना ये है कि क्या ये सारे वेलोसिरैप्टर्स मिलकर उस ट्रेन को रोक पाएंगे या फिर ट्रेन जुरासिक पार्क वाले डायनासोर यानी कि टी-रेक्स की तरह ही इन सारे वेलोसिरैप्टर्स के ऊपर से निकल जाएगी। और हाँ गाइज मैं सही था, यानी कि अपनी जो ट्रेन थी वो इन सारे वेलोसिरैप्टर्स के ऊपर से होती हुई जा चुकी है और सामने की तरफ एक या दो वेलोसिरैप्टर्स अपने साथ भी लेकर चली गई और ये सारे वेलोसिरैप्टर्स मिलकर भी इस ट्रेन को नहीं रोक पाए। तो अब देखना ये है कि क्या अगला जो व्हीकल अपनी लिस्ट के अंदर है वो इस ट्रेन को रोक पाएगा या फिर वो भी इन सारे व्हीकल्स और एनिमल्स की तरह ये चैलेंज हार जाएगा। तो अगला व्हीकल है टैंक। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस ट्रैक के ऊपर पहले टैंक्स स्पॉन कर देता हूँ। ठीक है गाइज, मैंने यहाँ पर काफी सारे भारी भरकम टैंक्स को स्पॉन कर दिया है, लेकिन अब ये भारी भरकम टैंक्स जो है क्या ये उस ट्रेन को रोक पाएंगे या फिर ये सारे टैंक्स भी उस जेसीबी और फायर ट्रक की तरह आसमान के अंदर उड़ जाएंगे। ओके, ट्रेन आ चुकी है गाइज और अब बारी है इन सारे टैंक्स की परफॉर्मेंस को देखने की। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। और गाइज इन सारे टैंक्स के साथ भी वही हुआ जो कि जेसीबी और फायर ट्रक्स के साथ हुआ था, यानी कि ट्रेन ने बिना किसी मेहनत के इन सारे टैंक्स को बड़े आराम से हवा के अंदर उड़ा दिया और इन सारे टैंक्स ने भी इस चैलेंज को हार दिया है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले व्हीकल की तरफ। ओके, इस बार कोई व्हीकल नहीं है इस चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए, बल्कि इस बार इस चैलेंज को टक्कर देने आ रहे हैं फ्यूल टैंक। और ये जो फ्यूल टैंक है गाइज, ये 10 या 20 फ्यूल टैंक्स नहीं होने वाले, बल्कि इस ट्रैक के ऊपर अभी आपको इतने सारे फ्यूल टैंक्स स्पॉन किए हुए मिलेंगे गाइज, जितने की हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो मैं फटाफट से यहाँ पर बहुत सारे फ्यूल टैंक्स को स्पॉन कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इस ट्रैक को सामने की तरफ पूरी तरह से फ्यूल टैंक्स के अंदर भर दिया है और अब बस हमें ट्रेन के आने का वेट करना है। और गाइस इसको देखने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि गाइस मुझे नहीं लगता कि ये सारे फ्यूल टैंक्स मिलकर भी उस ट्रेन को रोक पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूं और इन सारे फ्यूल टैंक्स के ब्लास्ट होने की वजह से ट्रेन की स्पीड जो है वो कम हो जाए। ओके, ट्रेन आ रही है गाइस, तो मैं भी रेडी हो जाता हूं क्योंकि अगर ट्रेन के टक्कर की वजह से ये सारे फ्यूल टैंक्स ब्लास्ट नहीं होते तो मुझे इन सारे टैंक्स के ऊपर रॉकेट से फायर करना पड़ेगा ताकि ये सारे फ्यूल टैंक्स ब्लास्ट हो जाए। भाई साहब ये क्या था यार, इतने सारे फ्यूल टैंक्स एक साथ ब्लास्ट होने के बाद भी ये ट्रेन नहीं रुकी गाइस। लेकिन जब इतने सारे फ्यूल टैंक्स ब्लास्ट हुए तो गाइस मुझे लगा कि अब तो ये ट्रेन पक्का रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ट्रेन तो भाई बड़े आराम से इन सारे फ्यूल टैंक्स को ब्लास्ट करती हुई निकल चुकी है। तो गाइज अब बारी आ चुकी है एनपीसी को लाने की। हाँ गाइज, इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए हम सारी ही चीजों को ट्राई करने वाले हैं। तो इस बार हम ट्रैक के ऊपर एनपीसी को लाने वाले हैं और हम देखेंगे कि क्या ये सारे एनपीसी मिलकर उस ट्रेन को रोक पाते हैं या फिर नहीं। गाइज मेरे पीछे काफी सारे एनपीसी पड़ चुके हैं और अब मुझे बस ट्रेन के आने का वेट करना है। ओके, ट्रेन आ चुकी है और देखते हैं कि क्या ये ट्रेन इन सारे एनपीसी की वजह से रुकेगी या फिर नहीं। और नहीं गाइस, ट्रेन तो नहीं रुकी और ना ही ट्रेन ने इन सारे एनपीसीज को मारा, बल्कि उल्टा ट्रेन ने अपने बंदे को ही नीचे गिरा दिया है। और अगर मैंने इन्फिनिटी हेल्थ चीट कोड एक्टिवेट नहीं किया होता तो अपना बंदा कब का मर चुका होता। अगला व्हीकल है साइकिल। तो गाइस अब बारी आ चुकी है साइकिल्स की इस चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए। तो ट्रेन बस आने ही वाली है और देखना ये रहेगा कि क्या इतनी सारी साइकिल्स को ट्रेन एक ही बार में पार कर पाएगी या फिर इतनी सारी साइकिल्स होने की वजह से ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी। ओके, ट्रेन आ चुकी है गाइस और अब देखते हैं कि क्या ये सारी साइकिल्स मिलकर इस चैलेंज को पूरा कर देगी या फिर ये सारी साइकिल्स भी पिछले वाले व्हीकल्स की तरह इस चैलेंज को हार जाएगी।
और नहीं गाइस, साइकिल भी इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाई और ट्रेन जो थी वो इन सारी ही साइकिल्स के ऊपर से होती हुई निकल गई है। लेकिन हाँ गाइस, एक बात तो है, ट्रेन भले ही इन सारी साइकिल्स के ऊपर से निकल गई हो लेकिन इनमें से एक भी साइकिल नीचे नहीं गिरी। तो गाइस अब बारी आ चुकी है घोस्ट राइडर बाइक की इस चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए। तो मैं फटाफट से इस ट्रैक को घोस्ट राइडर बाइक से भर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो मैंने इस ट्रैक के ऊपर काफी सारी घोस्ट राइडर बाइक्स को स्पॉन कर दिया और ट्रेन आ चुकी है। तो अब देखते हैं कि क्या ये सारी घोस्ट राइडर बाइक्स मिलकर इस ट्रेन को रोक पाएगी या फिर नहीं। और नहीं यार, इतनी सारी घोस्ट राइडर बाइक्स मिलकर भी इस ट्रेन की स्पीड को थोड़ा सा भी कम नहीं कर पाई और घोस्ट राइडर बाइक ने भी इस चैलेंज को हार दिया है। तो गाइज अब हम कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और मजेदार से चीज करने जा रहे हैं और वो ये है कि मैंने इस ट्रक ट्रेलर के अंदर दो टैंक्स को स्पॉन कर दिया है और सामने से एक फुल स्पीड के अंदर ट्रेन आ रही है। तो देखते हैं कि इस चैलेंज के अंदर कौन किसे सबसे पहले रोकता है। ओके, दोनों टैंक्स तो भाई नीचे गिर चुके हैं लेकिन अपना ट्रक अभी भी फेस टू फेस ट्रेन से टक्कर ले रहा है और देखते हैं कि क्या अपना ट्रक इस ट्रेन को रोक पाएगा या फिर नहीं। तो गाइस ट्रेन ने अपने ट्रक को काफी दूर फेंक दिया है लेकिन इस बार अपने ट्रक ने काफी अच्छी टक्कर दी थी ट्रेन को। ऑलराइट गाइस, अब बारी आ चुकी है फाइनली ट्रेन को इसके ट्रैक से नीचे उतारने की और ये करने के लिए मैं जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन पर और मैं ट्रेन के आगे काफी सारे स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट करने वाला हूं। और उसके बाद हम ट्रेन से काफी दूर चले जाएंगे, फिर हम ट्रेन को फॉरवर्ड कर देंगे, उसके बाद हम ट्रेन के ट्रैक पर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद जैसे ही ट्रेन अपनी तरफ आ रही होगी तो हम उन सारे ही स्टिकी बॉम्ब्स के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से फायर कर देंगे और जैसे ही वो सारे स्टिकी बॉम्ब्स फट जाएंगे तो हो सकता है कि अपनी ट्रेन भी इसके ट्रैक से नीचे उतर जाए। तो गाइस मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है और हम आ चुके हैं ट्रैक के ऊपर और अब बस हमें ट्रेन के आने का इंतजार करना है। गाइस ट्रेन आ चुकी है और क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है तो मैंने स्लो मोशन को एक्टिवेट कर दिया और अब बस मुझे सही से उन सारे स्टिकी बॉम्ब्स के ऊपर निशाना लगाना पड़ेगा ताकि वो सारे स्टिकी बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाए और अपनी ट्रेन भी इसके ट्रैक से नीचे उतर जाए। ओके, निशाना तो सही था लेकिन ट्रेन अभी भी इसके ट्रैक के ऊपर ही है तो मुझे इस ट्रेन को किसी भी हालत के अंदर इस ट्रैक से नीचे उतारना होगा। तो चलो गाइस फटाफट से ट्रेन के आगे चलते हैं और बचे हुए उन सारे स्टिकी बॉम्ब्स के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है। ओके, ये मेरा लास्ट चांस रहेगा क्योंकि अगर इस बार मैंने निशाना सही से नहीं लगाया तो सारे स्टिकी बॉम्ब्स अपने बंदे की बॉडी के ऊपर चिपक जाएंगे। तो गाइस निशाना तो इस बार भी सही था लेकिन ये क्या यार, ये ट्रेन तो अभी भी ट्रैक के ऊपर ही है। नहीं नहीं गाइस वेट, ये क्या हो रहा है भाई साहब, ट्रेन फाइनली अपने ट्रैक से नीचे उतर चुकी है और ट्रेन अब सीधा ही इन्फिनिटी वॉइड के अंदर चली जाएगी। और इसी के साथ हमने इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया है, यानी कि हमने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर की ट्रेन को उसके ट्रैक से नीचे उतार दिया है और हमने ट्रेन को रोक दिया है। ऑलराइट गाइस, तो ये था एक बहुत ही मुश्किल और मजेदार सा चैलेंज इन इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D एंड आई होप कि आपको वीडियो के अंदर बहुत मजा आया होगा और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप ऐसे ही और मजेदार से वीडियोस को मिस ना कर सको। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।